तुझे मालूम है नाना अभी भी कितने यंग और हैंडसम दिखते हैं। मैं सोचूं नाना वो जमाने में हीरो से कम नहीं होंगे। हम तो यही रहते हैं दादा जी के साथ में, लेकिन फिर भी हमें उनके बचपन के लाइफ और यंग लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता है। हम भी इंटरेस्टेड हैं उनकी स्टोरी जानने में। अरे इन छोटे छोटे बच्चों को तो नाना के बारे में कुछ भी नहीं पता। वैसे तो सोचने वाली बात ये भी है कि हमें भी नाना के बारे में बिल्कुल नहीं पता कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने अपनी लाइफ कैसे सेटल की और उन्होंने कितना स्ट्रगल किया। ये सब बातें तो जानने जैसी है। हाँ श्रुति, ये बात तो जानने लायक है। नाना जी के साथ इतना वक्त बिताया है, उनके साथ इतनी खुशियों के पल जिए है, उनका इतना प्यार पाया है, उनसे इतनी चीजें सीखी है,
पर हमने कभी इस बात पे तो गौर ही नहीं किया कि पहले वो कैसे थे। इसलिए हमको तो एक्सपर्ट एडवाइस लेनी चाहिए, हमको हमारे मासियों से पूछना चाहिए कि नाना जी पहले कैसे थे। अच्छा बच्चों, तुमको नाना जी के लाइफ स्टोरी के बारे में जानना है, मतलब पापा के बारे में। पापा यह शब्द सुनते ही कुछ चंद पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया हमको, अपनी नींद भुलाकर चैन से सुलाया हमको, अपने आंसू छुपा के हंसाया हमको, सारी खुशियां दे एक खुदा उनको, एक खुदा उनको। पापा का जन्म 40 गांव में 1/8/1950 को हुआ। उन्होंने एमकॉम के साथ साथ पीएसआई की डिग्री ले ली। पापा बड़े स्वाभिमानी, जिंदा दिल, मेहनती, हिम्मत वाले, गुणी और बहुत ही हैंडसम पर्सनालिटी, मतलब उस जमाने के राजेश खन्ना, बिल्कुल हीरो की तरह व्यक्तिमत्व था उनका। पापा के पास बुलेट थी जिस पर पापा काला गॉगल लगाकर लंबे सैर पर जाते थे। बहुत शौकीन मिजाज के पापा एक्सरसाइज और फूड लवर भी थे। जब पापा एक्सरसाइज करते थे तो वो 500 दंड बैठक निकालते थे और 2 से 3 किलोमीटर रनिंग करते थे। उसके बाद वो 1 ग्लास दूध, 3 केले और 250 ग्राम टोमेटो खाते थे। उनको एक्सरसाइज का इतना क्रेज था कि हर मौसम में वो कसरत करते थे। वो पहले इतना हेल्थ कॉन्शियस थे कि उस एक्सरसाइज की वजह से आज आई हुई कई बड़ी बड़ी बीमारियों से भी वो उबर पाए हैं। नई नई चीजें खाने के शौकीन पापा सामाजिक स्तर पर भी कार्यों में बहुत रुचि रखते थे। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने अपने जिंदगी की पहली जॉब उम्र की 20 साल में एमएससीबी में एज ए क्लार्क 2 से 3 साल तक की। फिर थोड़े दिनों तक उन्होंने क्लॉथ मर्चेंट का बिजनेस भी किया। फिर एक दिन जीवन का वो खूबसूरत दौर आ ही गया। हमारी ब्यूटीफुल मम्मा के साथ पापा की 4 दिसंबर 1973 में शादी हो गई और बिजनेस के हिसाब से पापा मालेगांव आ गए और तब से ही पापा मालेगांव के चहेते पाहुना बन गए। नाना जी के आशीर्वाद से पापा ने साड़ी आड़त की दुकान डाल ली। साड़ी आड़त की दुकान में बहुत संघर्ष करके उन्होंने अपना बिजनेस सेटल किया, पर फिर भी जीवन की कठिनाइयों के कारण उनको अपना बिजनेस फिर से एक बार चेंज करना पड़ा। उन्होंने तब तुम सब की फेवरेट पुष्प मंगल शॉप शुरू कर दी। इसमें भगवान की कृपा से और बड़ों के आशीर्वाद से बहुत सक्सेस मिला। जीवन की इस भाग दौड़ में पापा को शारीरिक तकलीफें भी हुई, जैसे हार्ट अटैक के बाद बाईपास और ब्रेन अटैक आया। इतनी मुश्किल स्थिति से बाहर निकलने का पापा के पास टॉप सीक्रेट है, वो है उनकी बीवी का बेजोड़ साथ और तन मन धन से समर्पण। हैट्स ऑफ टू मम्मा, आई लव यू। पापा के लिए आपने जो कुछ भी योगदान दिया है उसके लिए हम सब बच्चों के पास कोई शब्द नहीं है। इस दौर में हम सब बच्चे भी उनके साथ थे और उन हमसे जो बन पाया हमने अनुसरण करके किया। डियर पापा, हम सब बहनें और भाई की तरफ से आज मैं आपको हमारे दिल की बात बताना चाहती हूँ। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि आप हमारे पापा हो और हमने आपके घर में जन्म लिया है। पापा, आपने हमें कभी भी कोई भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। आपने और मम्मी ने अपना सारा कुछ हम सब पे न्योछावर कर दिया है। हमने आपसे सीखा है कि कैसे स्वावलंबी बने रहना, कैसे परिवार को जुड़ाए रखना, कैसे अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना, कैसे हर मुश्किलों का सामना डट के करना, चाहे वो व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो या व्यवहारिक हो। आपके सभी इन्हीं गुणों की छाप हम सब पे छाई हुई है। पापा, हमें आपकी बहुत याद आती है। हमें याद आती है आपकी हमें प्यार से मोगिया और बबिया बोलना, वो मीठे मीठे गन्ने, वो प्यार भरा सिंजारा, वो भत्ते का स्वाद नींबू और मिर्ची के साथ, वो गर्मा गरम चना चोर गरम
वो बॉम्बे की शॉपिंग, वो बॉम्बे की पेड़ी, वो बॉम्बे का सुबह का जलेबी और फाफड़ा, और सुबह सुबह का यम्मी नाश्ता, और फिर डायरेक्ट रात को मम्मी के हाथ के दशमी और चटनी, फिर शॉपिंग के बीच में गुस्सा होने पर मिलता था गन्ने का ठंडा ठंडा जूस। मालेगांव में हर चीज के लिए आप ना कर देते थे, पर बॉम्बे में हर चीज के लिए आप हाँ कर देते। आई लव यू पापा। हम सबको गर्व है, चार बेटियां होने के बावजूद भी आपने कभी चिंता नहीं की, और दामाद भी आपने ऐसे एक से बढ़कर एक ढूंढे कि उन्होंने कभी आपको चिंता ही नहीं दी। बचपन से आपने की गई हर तारीफ की वजह से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता गया, और आज जीवन में हम जो कुछ भी है सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोत्साहन और आशीर्वाद के वजह से है। हैप्पी बर्थडे पापा। ऐसे हमारे ग्रेट पापा के लिए एक स्पेशल विश। I wish you happy, happy birthday, happy birthday, happy, happy birthday to you. I wish you happy, happy birthday, happy birthday, happy, happy birthday to you. I wish you happy, happy birthday, happy birthday, happy, happy birthday to you. I wish you happy, happy birthday, happy birthday, happy, happy birthday to you. Thank you.
हैप्पी बर्थडे नाना जी। जब भी मैं मालेगांव मैं और थे रात का एक एक बजा तक आईपीएल मैच देखता थे, हमारा लिए कशकश भी बना कर देता और मैं रम्मी भी खेलता थे, माँ की सब विशेष पूरी करता था को यम्मी गन्नो भी मन बहुत भातो। इसलिए मैं जल्दी ही आऊँगा। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। मैंने जब भी नाना को देखा है वो हमेशा खुश और मुस्कुराते रहते हैं। उनके चेहरे की मुस्कान देखकर हम सब लोग भी खुशी महसूस करते हैं। बचपन से ही नाना ने हम सब बच्चों को ढेर सारा प्यार दिया है। फॉर्चुनेटली बड़े होने की वजह से मुझे और ऋषि को तो नाना का थोड़ा ज्यादा ही प्यार मिला है। कोई भी अचीवमेंट हो, बड़ी या छोटी, नाना हमेशा हमें कॉन्ग्रेचुलेट करकर और आशीर्वाद देकर अच्छे अच्छे काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आज 70 इयर्स के होने पर भी ही इज यंग एट हार्ट, हमेशा एक्टिव और नई नई चीजें करते रहते हैं। हमने नाना से बहुत सारी चीजें भी सीखी है जो हमें हमारे लाइफ में बहुत काम आएंगी। ऐसे हमारे एवरग्रीन चार्मिंग एंड यंग एट हार्ट नाना को विशिंग यू वेरी हैप्पी 70th बर्थडे। हैप्पी बर्थडे डियर नाना, आई विश यू अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ अहेड। लव यू। हैप्पी बर्थडे पप्पा, जन्मदिन की आपको हार्दिक शुभकामना। आपका जीवन इसी तरह खुशियों से भरा रहे, आप स्वस्थ रहे और मस्त रहे, यही हमारी मनोकामना है। प्रणाम, आपको आपकी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरह आपकी जीवन सदा आनंद में स्वस्थ और हर्षोल्लास से भरा रहे। भगवान श्री कृष्ण का जो आपके ऊपर असीम कृपा और आशीर्वाद है, वो आपकी चार बेटियों और लाड़ के जवाई को छोड़कर बाकी तीन जवाइयों और बेटों को भी उसका लाभ लेने दे, यही मेरी आपसे शुभकामनाएं और विनंती है। आपको आपकी जन्मदिन के लिए दोबारा हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जैसे ससुर जी कहां ऐसा प्यारा ना, याद करेगी दुनिया आपका मेरा प्यारा ना। मेरी जिंदगी सवारी मुझको सोना को देकर बैठा दिया पलक पर, मुझे बेटा बनाकर। आपके जैसा ससुर जी कहां ऐसा प्यारा ना। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर आप ना जाए, मेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए। आपके संग जीना यहाँ, आपके संग मर जाना, याद करेगी दुनिया आपका मेरा प्यारा ना। आपके जैसे ससुर जी कहां ऐसा प्यारा ना। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने सतायु हो और हमेशा जो है आपका वरद हस्त मेरे सर पे रहे। पापा जी, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आपके लिए कुछ पंक्तियाँ। हंसते रहे आप करोड़ों के बीच सदा, खिलते रहे आप लाखों के बीच सदा, रोशन रहे आप हजारों के बीच सदा, जैसे रहता है सूरज आसमान के बीच सदा। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे पापा जी। जय सियाराम।
चांद से प्यारी है चांदनी, चांदनी से प्यारी है रात, रात से प्यारी है जिंदगी, जिंदगी से प्यारे हो आप। क्या तारीफ करूं मैं आपकी, क्या तारीफ करूं मैं आपकी, आप तो है मेरे भगवान। हजारों जन्मदिन आपने मनाए होते, आप में बसती है मेरी जान, आप में बसती है मेरी जान। भगवान बुरी नजर से आपको बचाए, भगवान बुरी नजर से आपको बचाए। गम क्या होता है ये आप भूल ही जाओ, गम क्या होता है ये आप भूल ही जाओ। भगवान जिंदगी में आपको इतना हंसाए, आप और आपका प्यार मेरे लिए सर्वोपरि। जय श्री कृष्णा। कृष्णा, आज मेरा जन्मदिन है, 1 अगस्त को मैं 70 साल में पदार्पण कर रहा हूँ। इस वक्त मेरे परिवार के बारे में मेरी तरफ से छोटा सा सरप्राइज के साथ बहुत सारा आशीर्वाद देना चाहता हूँ। मेरे सभी प्रियजन तथा मेरे प्राणों से प्यारी लड़कियाँ, मेरा बेटा और मेरी बहू, दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारे मेरे पोता पोती द्वैता द्वैती, साथ में मेरी जीवन साथी, मेरी अर्धांगिनी धर्म पत्नी पुष्पा एवं सभी दामाद जी को अनेक अनंत आशीर्वाद। आदरणीय बैजी तथा बैंजी साहब, मेरा पूरा बंग परिवार सदस्यगण, मेरे ससुराल के सभी परिवार के सदस्यगण, सबको जय श्री कृष्णा। मुझे भगवान की कृपा से 2-3 बार जीवन दान मिला और मेरे माताजी एवं मेरे पिताजी को मेरा सादर प्रणाम। मुझे सेवा में मेरा परिवार तथा प्यारी लड़कियों के साथ दामाद जी ने मेरी पूरी तरह से सेवा करके हिम्मत देकर मुझे पुनश्च जीवदान दिया, प्रदान किया। यही भगवान की कृपा ही समझना है। मेरे चारों दामाद लड़के के समान है। मेरे परिवार के बारे में जितना कहूँ उतना ही कम है। संतोष, समाधान, आनंदमय जीवन हो जाए तो और क्या होना। मेरे मन की बात 2 शब्द कहना चाहता हूँ। श्री आदरणीय सभी बैजी साहब को नजर उतारने लायक है, उन्होंने मेरा बहुत ही सम्मान किया। जैसे डॉक्टर लाहौटी जी मुझे बड़े भाई समान है, उन्होंने मेरी बहुत सेवा की, मेरा बहुत ही ख्याल रखा, मैं उनका ऋणी हूँ और रहूँगा। सभी के साथ में हम डैडी और मम्मी जी ही कहते हैं। यह रिश्ता मेरे पूर्व जन्म का लगता है। दोनों को और सभी परिवार को पुनश्च दोनों परिवार का मैं ऋणी हूँ। ईश्वर को याद करना, सेवा करना, नामस्मरण करना, यही खुशी में परिवार के साथ प्रेम से गुजारना, यही जिंदगी का अनमोल खजाना है। सबको मेरा बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। जय श्री कृष्णा।